Hello student, how are you? Today we are going to discuss about kingdom Monera. Kingdom Monera. Five kingdom के बारे में हमने discuss किया, उसके बाद मैंने six kingdom यानी कि three domain के बारे में भी आपको बताया. आज हम बात करेंगे kingdom Monera. Kingdom Monera की जब हम बात करेंगे तो Monera के अंदर कौन members कौन है, उसके अंदर कौन आता है, तो हमें याद रखना है कि Monera के अंदर आएगी बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम Monera. बैक्टीरिया Monera के मेंबर्स है और दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग. मतलब वो कहीं पे भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, डिजर्ट में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, डीप ओशन वेर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव. मतलब कि बहुत कम लाइफ जहां लाइफ फॉर्म्स जहां देखने मिलेंगे उसी जगह पे, मतलब कि ऐसी जगहों पे हमें बैक्टीरिया देखने मिलेंगे. मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स. मतलब कि ये हमें दूसरे, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर पैरासाइट के तौर पे भी देखने मिलेंगे. मतलब कि Monera जो है वो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया जो है मतलब कि एवरीवेयर हर एक जगह पे हमें देखने मिलेंगे. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि बैक्टीरिया को अगर उनके शेप के हिसाब से देखा जाए तो बैक्टीरिया फोर कैटेगरी के अंदर आएगा. मतलब कि चार कैटेगरी उसकी बनेगी, डिवाइड होगा. उसके अंदर सबसे पहला है स्फेरिकल कॉकस, कॉकाई, मतलब कि जो राउंड शेप होगा लाइक दिस, इस तरह से राउंड शेप जो भी होगा उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल कॉकस और कॉकाई भी कह सकते हैं, मतलब कि राउंड शेप. उसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी है, द रॉड शेप. रॉड शेप बेसिलस की बात करेंगे जब हम, के उसको बोलेंगे बेसिलस, बेसिलस मतलब कि जो एक रॉड की तरह में देखेगा, जो मैंने ड्रॉ किया है सिंपल ये रॉड की तरह में देखेगा तो इसको हम बोलेंगे रॉड शेप मींस के बेसिलस. थर्ड वन इज कोमा शेप. कोमा शेप की बात करेंगे जब हम, विब्रियम मतलब के विब्रियो, जो कोमा जो होता है उसी शेप में हमें देखेंगे तो ये बोलेंगे हम कोमा शेप. और फोर्थ वन जो चौथा है स्पाइरल और स्पिरिलियम, स्पाइरिलिया जो बोलेंगे वो, मतलब कि इस शेप के अंदर हमें वो देखने मिलेगा, इस तरह के शेप के अंदर हमें वो देखने मिलेगा जिसको हम बोलेंगे स्पिरिलियम या स्पाइरल. तो ये हो गए शेप के हिसाब से फोर कैटेगरी के अंदर बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया. ये याद रखना है, कभी कभी इसको टू मार्क्स में भी पूछा जाता है कि शेप के हिसाब से बैक्टीरिया के कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी है. बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन याद रखना है. अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे तो देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल दिखता है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने मिलती है. अब बैक्टीरिया किस तरह के, तो बैक्टीरिया को अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से देखेंगे तो कुछ बैक्टीरिया, मतलब कि सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स. मतलब कि ये ऐसे बैक्टीरिया के जो अपने खाना खुद बनाते हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स में से वो अपना खाना तैयार करते हैं. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. ये फोटोसिंथेटिक भी है या केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. फोटोसिंथेटिक होंगे तो हमें पता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल अवेलेबल होना चाहिए तो ही वो फोटोसिंथेटिक कहलाएंगे. और केमोसिंथेटिक होंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. केमोसिंथेटिक क्या है उसके बारे में हमें डिस्कस करनी है तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे. तो
The vast majority of bacteria are heterotrophs. लेकिन बहुत ज्यादा जो bacteria है वो heterotrophs है, मतलब कि वो अपना food अपने आप नहीं बनाते. They depend on other organisms or on dead organic matter for food. मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपने खाने के लिए यूज करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं. मतलब कि एक बात समझने आ गई कि जो मोनेरा है वो मोनेरा न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने पहले भी देखा है कि ऑटोट्रॉपिक भी और हेटरोट्रॉपिक भी है. ऑटोट्रॉपिक के अंदर हमने दो पार्ट्स दिए, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक. और इसी तरह से हमने यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स की भी बात की कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड मैटर ऑफ फूड, मतलब कि डेड मैटर ऑफ फूड पे वो डिपेंडेंट करेंगे. तो उसको हम क्या कहेंगे, तो अगर डेड मैटर ऑफ फूड पे डिपेंडेंट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम सैप्रोफाइटिक, और दूसरे पर डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसके हम बोलेंगे पैरासाइटिक. ओके दोस्तों, समझ में आ गई ये बात. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो इसके अंदर मैंने बात की थी कि कार्ल हूस ने बताया कि मोनेरा को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. तो सबसे पहले हम आर्किबैक्टीरिया की बात करेंगे. आर्किबैक्टीरिया जो है वो आर्किबैक्टीरिया आर स्पेशियल, मतलब कि बहुत ही अलग तरह के बैक्टीरिया. दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, मतलब के ये एकदम सॉल्टी एरिया जो होता है, मतलब के खारे पानी वाला जो एरिया होता है, सॉल्टी एरिया समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं जहाँ पे खारा पानी मतलब के सॉल्टी वाटर्स रहता है, या कुछ ऐसी जमीन है जहाँ पे सॉल्टी बहुत ही सॉल्टी एरिया है, वहाँ पे हमें देखने मिलेंगे. इसको हम बोलेंगे हेलोफिनस, ये याद रखना है हेलोफिनस. ये जो आर्किबैक्टीरिया है ये हमें हॉट स्प्रिंग्स में भी देखने मिलेंगे. हॉट स्प्रिंग में जो देखने मिलेंगे उसको हम कहेंगे थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो एसिडोफिलस. और मार्सी एरियाज के अंदर हमें देखने मिलेंगे उसको हम बोलेंगे मिथेनोजेंस. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्टी एरिया हेलोफिलस, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिलस एंड मार्सी एरियाज मिथेनोजेंस बैक्टीरिया देखने मिलेंगे, ये आर्किबैक्टीरिया है. आर्किबैक्टीरिया जो है ये आर्किबैक्टीरिया फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. आर्किबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो दूसरे बैक्टीरिया से बहुत अलग है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये कहीं भी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग है, क्योंकि ये आर्किबैक्टीरिया सर्वाइवल करेंगे किसी भी कंडीशन में, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ये अपनी लाइफ मतलब के जिंदा रहते हैं, जीते हैं. तो ये क्यों पॉसिबल है, तो आर्किबैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो सेल वॉल दूसरे बैक्टीरिया से अलग है. तो इसके लिए इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई नहीं है. दूसरे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है. तो ये याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई नहीं है आर्किबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है. अब आगे बात करेंगे कि मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ये याद रखना, ये पूछा जा चुका है. रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउस एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल. मतलब कि जो रूमिनेंट एनिमल्स है काव एंड बफेलो, वो उनके जो गट्स होते हैं उनके अंदर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, और जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करते हैं मिथेन गैस. और मिथेन गैस हमें पता है कि बायोगैस के अंदर कौन सा गैस होता है, मिथेन. तो हमें ये पता चल जाएगा कि बायोगैस के अंदर मिथेन गैस होता है, और बायोगैस आप पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर काऊ और बफेलोस के जो मतलब के वेस्टेज होते हैं वो सब डाले जाते हैं. तो वो सभी चीज़ें जब डाली जाती है, उसके डंग वगैरह एक जगह पे डाला जाता है, और उसके अंदर से जो गैस बनता है वो गैस मीथेन होता है. तो उस मीथेन गैस बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार है, मतलब कि कौन से बैक्टीरिया जरूरी है, तो मिथेनोजेंस
जो रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काव एंड बफेलोस के डंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमें याद रखना है, रुमिनेंट एनिमल करके ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो आर्किबैक्टीरिया आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया, सॉल्टी एरिया में आर्किबैक्टीरिया लेकिन नाम एनोफिलस, और स्प्रिंग थर्मोएसिडोफिलस, मार्शी एरिया मीथेनोजेंस, रुमिनेंट एनिमल्स के डंग के अंदर मीथेनोजेंस, उनके गट्स के अंदर मीथेनोजेंस। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर, मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। सेल वॉल है वो डिफरेंट टाइप की है दूसरे बैक्टीरिया से, तो आपको ये भी याद